सो हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल इन अनदर वीडियो। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं जो भी इससे स्टूडेंट हैं जो कि ये एडमिशन सिक्योर कर चुके हैं अपना डिप्सार में, तो उनको अब सीट फ्रीज करना है। ठीक है, इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे सीट फ्रीज कौन से ऐसे कैंडिडेट जिनको करना है और सीट फ्रीज किनको नहीं करना है। ठीक है जी, और मैं ये भी बताऊँगा आपको कि अगर आप लोग एडमिशन को विड्रॉ करवाना चाहते हो तो उसकी प्रक्रिया क्या है। तो चलिए, ज़्यादा लेट ना करते हैं, वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। दोस्तों, सबसे पहले आप लोग ये समझिए कि एडमिशन जो है जो सीट जो है फ्रीज किसको जो है नहीं करना है। तो देखिए, जो भी ऐसे स्टूडेंट हैं जो कि ये चाहते हैं कि उनका अगले राउंड की काउंसलिंग भी, अगर उनको लगता है ऐसा कि उनका जो है परसेंटेज अच्छा है और वो अगले राउंड की काउंसलिंग के लिए पार्टिसिपेट करना चाहते हैं, तो उनको जो है सीट फ्रीज नहीं करना है। ठीक है, सीट फ्रीज उनको नहीं करना है। अभी आपको पेमेंट कर देना है, सीट फ्रीज नहीं करना है। तो चलिए, हम वीडियो में आगे बढ़ते हैं। तो देखिए दोस्तों, सबसे पहले मैं आपको बता देना चाहता हूँ, सीट फ्रीज उन स्टूडेंट को करना है जिनका कि थर्ड राउंड की काउंसलिंग में, देखो थर्ड राउंड की काउंसलिंग में जिनका कि मनपसंद जो है कोर्स मिल गया है। कहने का मतलब क्या है, जो भी ऐसे स्टूडेंट हैं जो कि चाहते हैं कि उनका जो मनपसंद जो कोर्स है वो मिल चुका है, अब वो सीट को फ्रीज कर सकते हैं। अब देखिए, इस कंडीशन में जो है जो भी ऐसे स्टूडेंट होंगे जिनका कि पहला जो प्रेफरेंस था, ठीक है, पहला जिनका भी प्रेफरेंस था, ठीक है जी, उनको जो है सीट फ्रीज करने का ऑप्शन नहीं आएगा। तो अगर आपको जो है पहला प्रेफरेंस मिल चुका है तो आपको सीट फ्रीज करने का ऑप्शन नहीं आने वाला है। तो अगर आपके पास सीट फ्रीज का ऑप्शन नहीं आना है तो आपको परेशान मत होइए, आपका एडमिशन जो है सिक्योर है। अब देखिए, सीट फ्रीज जो है ना वो केवल उस स्टूडेंट को ही करना है जो कि ये चाहते हैं कि अब इसको ये वो अपना सीट जो है वो कंफर्म कर लें और इसी सीट में आपको एडमिशन चाहिए। जैसे आप लोग यहाँ पे देख पा रहे होंगे, ये जिन भी कैंडिडेट का है, सृष्टि प्रिया इनका नाम है, ठीक है, और यहाँ पर मैं इनका सीट फ्रीज करने जा रहा हूँ। तो आप लोग देखो सबसे पहले करना कैसे है। तो देखिए, यहाँ पे इस एडमिशन सीट फ्रीज का ऑप्शन जो है ये कैसे आएगा मैं आपको बता दे रहा हूँ। जैसे आप लोग अपने डैशबोर्ड को ओपन करोगे तो वहाँ पे लॉगिन करोगे, उसके बाद आपका जो है ये ऑप्शन आ जाएगा एडमिशन सीट फ्रीज का, ठीक है जी, एडमिशन सीट फ्रीज का। तो यहाँ पे आप लोग अब एडमिशन जब सीट फ्रीज का ओपन करोगे तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे दोस्तों फ्रीज माई सीट सेंड OTP, ठीक है। तो अब जैसे आप लोग यहाँ पे क्लिक करोगे ना तो यहाँ पे देखो फाइनली जो है यहाँ पे क्या दे रहा है कि OTP जो है ना आपके रजिस्टर्ड ईमेल ID पे ही जाएगा, ठीक है। तो अब रजिस्टर्ड ईमेल ID पे जो है हम यहाँ पे देख लेते हैं, रजिस्टर्ड ईमेल जैसे यहाँ पे हम क्लिक करेंगे तो देखो रजिस्टर्ड ईमेल ID पर भी गया होगा और यहाँ पर भी देखो आपकी स्क्रीन पर भी OTP शो हो रहा है। तो OTP आप लोग यहाँ पे देख पा रहे होगे, आप लोग यहाँ पे देख पा रहे होगे दोस्तों 44 है, 44, 82 और 99, कितना है 44, 82 और 99। अब इसको हम यहाँ पे फिल कर लेंगे, ठीक है। जैसे यहाँ पर हम लोग फिल करेंगे इसका ऑप्शन जो है देखो 44, 82, 99, ठीक है जी, यहाँ पर हमने फिल कर लिया। अब यहाँ पर हम लोग कर लेंगे यहाँ पे सबमिट, ठीक है जी, यहाँ पर हमने सबमिट कर लिया। तो देखो अब यहाँ पे फाइनली जो है सीट फ्रीज हो चुका है, अब इनको जो है डिफार्मा में जो है सीट इनका कंफर्म हो जाएगा। यहाँ पे देखो डिफार्मा में इनको जो है दोस्तों वो सीट अब आराम से मिल जाएगा। तो अब जो है यहाँ पर कोई दिक्कत नहीं होने वाली है। तो अब देखो यहाँ पर बात आती है, यहाँ पर आप लोग देख पा रहे होंगे एडमिशन सीट फ्रीज का, यहाँ से देखो दोस्तों यहाँ पर ऑप्शन अभी भी आ रहा है। तो आप लोग जैसे इसको क्लिक करोगे ना तो सीट फ्रोजन दिखा देगा। सीट फ्रोजन मतलब ये हुआ कि आपका जो एडमिशन अब सिक्योर हो गया। अब देखो दोस्तों यहाँ पे बात आती है, काफ़ी सारे स्टूडेंट ऐसे हैं जो कि एडमिशन को विड्रॉ करवाना चाहते हैं, ठीक है। तो एडमिशन विड्रॉ करवाने के लिए देखो आपको क्या करना होगा, एडमिशन विड्रॉ करने के लिए आपको सिंपली जैसे आप लोग अपने डैशबोर्ड पर ओपन करोगे तो आपके सामने देखो दोस्तों कुछ ऐसा इंटरफेस आएगा। क्या आएगा, एडमिशन विड्रॉ का ऑप्शन, देखो एडमिशन विड्रॉ, ठीक है। तो आप लोग यहाँ पे क्लिक करके अपने एडमिशन को विड्रॉ करवा सकते हो और 2000 रुपये आपके चार्ज कटेंगे, कितने 2000 रुपये आपके चार्ज कटेंगे। तो इस तरीके से करके आप लोग एडमिशन को भी विड्रॉ करवा सकते हो, ठीक है जी। अब देखो यहाँ पे आपको बता देना चाहता हूँ, ये एक ऐसी कैंडिडेट हैं जिनका कि फर्स्ट राउंड की काउंसलिंग में पहला प्रेफरेंस मिला हुआ था, तो इनको जो है सीट फ्रीज करने का ऑप्शन अभी तक आया ही नहीं, ना तो फर्स्ट राउंड में आया, ना तो सेकेंड राउंड में आया और ना ही थर्ड राउंड में, ठीक है। तो जो भी ऐसे स्टूडेंट है जिनका कि पहला प्रेफरेंस मिल गया होगा उनको अब किसी तरीके का सीट फ्रीज का ऑप्शन नहीं आने वाला है। तो आई होप कि आपको वीडियो अच्छा लगा होगा, वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियोज़ को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। मिलेंगे ऐसे एक और शानदार और इन्फॉर्मेटिव वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।